दुख्तरे रहमतल आलमी इमाम अवलीन आखे बाहर वाले साथी अजराए करम अपनी नेकियां बधाने वास्ते अंदर आ दरबार के सामने पिंडा दे विच तशरीफ ले आओ। अल्लाह ताला तुहाडा आना मंजूर मकबूल करे। अलामा साहब तशरीफ ले आ चुके तुहाडी देर तुसी जल्दी जल्दी अलामा साहब तशरीफ ले आ चुके बानुए ताजदार हल्लता मौला अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा दुख्तरे रहमतल लिल आलमी इमाम अवलीन आखरी इमाम अवलीन आखरी जदों आमना सामना होया उदो सरकार आमना दे लाल आमने शान कुल को वेखो मेरा अली ईमान है कुल कुल का जमाल जज़ीर के ओ चेहरे से है आया घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है तू क्या है और क्या तेरे इल्म की पिसा तुझ पे करम नसीर ये सारा अली का है तुझ पे करम नसीर ये सारा सारा अली का है मंजर फिजाए दर में सारा अली का है नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे ताकीद नारे हैदरी हम है आशुदस्त से महारा इन रोज शाह है शाह मैं माशुदस्त महारा जिबरी ले मलाइके जिबरी ले मलाइके दरबार शुदस्त शुदस्त मारा अमन बहिश्त दोज़ख पर आशिका हराम हर दम रज़ाए जाना रिजवान शुदस्त मारा हर दम रज़ाए जाना मेहमान शुदस्त मारा जज़ाकअल्लाह माशाल्लाह इसन जनाब सूफी अल्लाह बख्श साहब जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बारगाहे सैयदुल कौनैन दे विच अपनी हाजरी पेश कर रहे सन दौरान नाद मुल्के पाकिस्तान दे नामवर मज़हबी सकालर मेरी मुराद हजरत अलामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला मज़हर वारसी साहब साढ़े स्टेज की जीनत बने उन्होंने दिल दी अथाह गहराइयां दे नाल एलियानी नंदी की तरफों खुश आमदेद आखदे आं जिहड़े हजरात हुण भी प्रोग्राम के बाहर फिर रहे हैं उन्होंने गुजारिश है कि जल्दी प्रोग्राम के अंदर तशरीफ ले आओ। बस चंद इलामा तो बाद इंशाल्लाह केवल हजरत साहब का खिताब शुरू होने लगा। जड़े हजरात सड़क के आस पास बार मजमा बना के खलोते हैं उन्होंने गुजारिश कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी केवल हजरत साहब काफ़ी सफर करके साढ़े को तशरीफ ले आए मेहरबानी करके सारे हजरात अंदर तशरीफ ले जड़े हजरात बाहर फिर रहे हैं उन्होंने गुजारिश है कि बराए करम अंदर तशरीफ ले सो ताकि हजरत साहब का खिताब शुरू होवे। साडे दरबार शरीफ के मुंतजिम आला भाई शमशेर खान साहब के हुक्म ते मैं बस एक करामत वो भाई शमशेर साहब दस रहे सन कि लोग पूछते हैं कि बाबा रोडा साहब की करामात के ने वो मैं गुजारिश करके किबल हजरत साहब के मैं हवाले कर सा कि हजरत किबला पीर सैयद मकसूद अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह
आप दे बारे के आप इतने नली तशरीफ लेके आए किबला सैयद बाकर अली शाह साहब हजूर बाबा जी सरकार अस्थान आलिया कोट गुला शरीफ उन्होंने बारे कि आप इतने पानी वास्ते गए जी साड़ी जय ही पुरानी नाल हाजी खुर्शीद साहब के वाले साहब हाजी फतेह अली साहब वो भी नाल सन हजरत साहब का बचपन आई और आपने आख्या कि हाई साहब घर चलद भुख बड़ी लगी तो हाजी फतेह अली साहब आख्या कि चलो घर चलद आन लगे तो जिस टाइम दरबार शरीफ के कोल पहुंचे तो हाजी फतेह अली साहब फरमाया बाकी चलो हजरत साहब दरबार से हाजरी दे लें तो किबला सैयद बाकर अली शाह साहब फरमाया कि बस हाजरी दे असा थोड़ी जी भुख सदा रही तो घर चलद आफर मैं बस दो मिनट ही हाजरी देनी तो बस घर चले लें जिस टाइम उस टाइम चौंकि मजार तो हूँ ही बनया पहले कबर सी सिरों जिस टाइम वो कबर से पहुँचते हैं ना किबला सैयद बाकर अली शाह साहब तशरीफ फरमावे नाल और अजय फतेह अली साहब रहमतुल्लाह अलैह जिस टाइम इतने आते हैं तो दुआ तो बाद के वेखते हैं कि कबर के उत्ते ना शक्कर इस तरह पई जिस तरह कोई पूरी बोरी सरक शक्कर की पलट गया उत्ते वो पीर बाकर अली शाह साहब फरमाते हैं कि मैं शक्कर इतनी रज के खाधी वो जी मेरी भुख है ना इतने ही खत्म हो गई मैं सिर्फ दिल उतो इरादा लैके निकला कि भुख बड़ी लगी जिस टाइम इतने पहुंचा तो पी किबला पीर सैयद बाकर अली शाह साहब की गल करने का मकसद ये कि उन्होंने बारे तुम सारे नली वाले तकरीबन ज्यादातर मुरीद उत्ते ही हैं उन्होंने बारे जानते हो कि वक्ता गौस और इतने बड़े बली जड़े सैयद भी हैं वह भी इतने आके बाबा जी रोडा सरकार से आके हाजरी देंदे सन तो ये कोई आम शख्सियत नहीं कोई आम हस्ती नहीं ये साड़ी खुशकिस्मती है कि असी इन्हें मजार से हाजरी देने वो किमें पंजाबी की गल है कि अपने घर का पीर हौला होंदा सन इस चीज़ की कदर नहीं अगर तुम इस चीज़ में देखना चाहते हो तो केवल हजरत साहब शाने उलियात इंशाला बयान फरमा सन ये साड़ी बड़ी खुशकिस्मती कि नली शहर के आस पास चवें साइडा अल्लाह के वलिया के मजार हैं और असं बड़े खुशकिस्मत हाँ और वलिया के बूहे से आँधी किस्मत आए हैं और वली सदे भी किस्मत आए हैं हर बंद इन्होंने बूहे से आ भी नहीं सकता जेड़े नहीं मन आए उन्होंने अपनी किस्मत तो ये भाई शमशेर की बड़ी मेहनत है अज अलहमदुल्ला ये 14वां सालाना उर्स मुबारक मुनकद हो रहा काफ़ी मुल्क पाकिस्तान के बड़े बड़े अजीम मजहबी सकालर इतने बयान फरमा गए पिछले साल मुल्की हालात की वजह तो प्रोग्राम नहीं हो सका और अज इंशाल्लाह सालाना ही प्रोग्राम होता और केवल हजरत साहब की बड़ी असी शुक्र गुजार हाँ पिछली दफा इन्होंने कोल सिर्फ फोन से ही टाइम ले सी लेकिन मुल्क की हालात की वजह तो प्रोग्राम कैंसल हो गया सी दोबारा इन्होंने गुजारिश की इन्होंने मेहरबानी फरमाई साड़ी दावत कबूल की साढ़े को तशरीफ लेके आए और काफ़ी सफर करके आए तो सा खिताब ये सुनना असी देहाती एरी दे जट लोग हाँ हजरत साहब को पता लगे कि दामा ने मोहाड़ आले तकरीर सुनना जानते हैं अगर जाग दो तो मोहब्बत ना लग सुबहान अल्लाह मैं ऐलान करके उस तो बाद हजरत साहब के मैं हवाले कर सा कि किबला पीर सैयद बाकर अली शाह साहब रहमतुल्लाह की याद में जामिया गौसिया रिजविया मकसूदिया जेरे तामीर है उसके मटीरियल वास्ते हजरात तामन कर सो कारी साहब तशरीफ फरमा ने महफिल तो बाद इतने मौजूद हो सन तो मस्जिद बन रही किबला पीर सैयद बाकर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह सानिया अली कोट गुल्ला शरीफ उन्होंने नाँ से तो सारे हजरात उन्होंने नाल तामन कर सो वो कारी साहब काफ़ी सफर फरमा के आए मस्जिद की तामीर वास्ते जितना हो सके तामन कर सो हूँ नारे का जवाब इस मुहब्बत के नाल दसो कि हजरत साहब को पता लगे कि बंदे मैंने सुनने वास्ते बैठे न सब बंदे सारा की बड़ी हजरत साहब तो सुबह भी बयान सी मैं भी उत्थे सा हजरत साहब को मैं दसा कि साढ़े इलाके वाले बड़े शौक नाल सुनते हैं और उत्थे भी एक देहात है नामयाली के नाल जंदरान उत्थे महफिल सी उन्होंने बड़ी मुहब्बत के नाल समाप्त की थी तुसा भी इसे मुहब्बत के नाल समाप्त कर लावे दे विच दरस बन रहा और मस्जिद उदे वास्ते तुसी सारे हज़रात तामन कर सो कारी साहब महफिल तो बाद मौजूद हो सन उन्होंने तामन कर सो नारे तकबीर नारे रिसाल नारे तहकी नारे हैदरी सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी गुलाम है गुलामी है रसूल में ताजदारे खत्मे नबुव्वत ताजदारे खत्मे नबुव्वत हजरत पाव मियां रोडा सरकार बिला ताखीर दावत खिताब देता हूँ मुल्क पाकिस्तान के नामवर मजहबी सकालर जनाबी हजरत अलामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला मजहर फारसी साहब बाबा सैयद मियां रोडा सरकार सैयद ते मौला अली करम वलिया दी दस्तारे अली वलिया दी दस्तारे अली ओ सैयदा दा